क्वेश्चन फोर देखिए, इफ द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 3x² - 2x + c = 0 इज 16, देन द वैल्यू ऑफ c इज, हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज वो क्या है हमारे पास, दैट इज 3x² - 2x + c = 0, इसे मान लो फर्स्ट। अब हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, उससे इसे कंपेयर कर लेते हैं। कंपेयरिंग फर्स्ट विद, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, ax² + bx + c = 0। तो a तो आपका आ गया 3, b आ गया माइनस का 2 और c आ गया आपका c। इनफैक्ट अगर आप चाहें तो स्टैंडर्ड फॉर्म में यहां कैपिटल लेटर्स का यूज कर सकते हैं, a दिस इज कैपिटल b एंड कैपिटल c, तो ये कैपिटल b, ये कैपिटल a एंड कैपिटल c इज स्मॉल c। तो डिस्क्रिमिनेंट जो है वो क्या होता है, b² - 4ac के इक्वल होता है। अब यहां पे डिस्क्रिमिनेंट हमें दे रखा है, b क्या है हमारे पास -2 का स्क्वायर -4, a क्या है 3 और कैपिटल c की जो वैल्यू है वो स्मॉल c है, यानी 4 का स्क्वायर 4 - 12c। ये तो डिस्क्रिमिनेंट हमने निकाला है और एक डिस्क्रिमिनेंट हमें क्वेश्चन में दे रखा है, तो दोनों आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो दोनों डिस्क्रिमिनेंट को मैं कंपेयर कर लेता हूं, 4 - 12c इज इक्वल टू डिस्क्रिमिनेंट हमें दे रखा है दैट इज 16। इसको इधर ले आओ, इसको इधर ले जाओ, 4 - 16 इज इक्वल टू 12c, तो 12c इज इक्वल टू माइनस का 12, विच इंप्लाइज जो c की वैल्यू है वो -1 हमारे पास होगी। क्वाइट सिंपल अप्रोच हमने फॉलो अप की है कि यहां पे डिस्क्रिमिनेंट हमने निकाल लिया, एक डिस्क्रिमिनेंट क्वेश्चन में दे रखा था, दोनों की वैल्यू को कंपेयर किया है और जो इक्वेशन में सी की वैल्यू थी वो हमें -1 यहां पर मिल गई है।